नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापोट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज एक 81 बोर्ड लेके आया हूँ मैं। तो यह है इसका मॉडल नंबर GA-ACE-81MS। गाइस, ये बोर्ड आया है स्मार्ट कंप्यूटर सर्विस से। तो ये बोर्ड का कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, मतलब डिस्प्ले नहीं है कि रैम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम है कि इसका डेट एंड टाइम मतलब सेव नहीं होता है। सेव नहीं होता है मतलब है, कंप्यूटर स्टार्ट किया, सेटअप किया, जब भी कंप्यूटर ऑफ करोगे, पावर ऑफ करोगे, मतलब कंप्यूटर से पावर को कट करोगे, उसके बाद जब भी स्टार्ट करोगे बायोस रीसेट दिखाएगा और डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में बोर्ड को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, कंप्यूटर का चलाना, क्योंकि हर एक वक्त एक झंझट जैसे लगता है। तो गाइस, जब मैंने इस बोर्ड को लिया तब मैंने भी देखा ये, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर चुका हूँ और कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, मैंने सबसे पहले देखा कि इसका पिन पे कुछ मॉस्फेट वगैरह है, तो मैंने इसे साफ़ किया और यहाँ पर भी कुछ मॉस्फेट आप देख सकते हो शायद, तो इसे मैंने साफ़ नहीं किया, इसे ऐसे ही रहने दिया। मैंने चेक किया क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर जाके मैंने ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का इस लेग और इस लेग दोनों लेग पे, सॉरी ये लेग और ये लेग दोनों लेग पे वोल्टेज चेक किया, मैंने देखा कि दोनों लेग पे वोल्टेज बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम वोल्ट आ रहा है उसका। तब जाके मैंने क्रिस्टल को चेंज किया, उसका पहले वाला क्रिस्टल ये था, आप देख सकते हो इसका वहाँ पे जो पहले वाला क्रिस्टल था वो ये था, मैंने उसके जगह पे ये क्रिस्टल लगाया और इसे काट के लगाया। मतलब ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे काटा हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, स्मॉल है, थोड़ा मोटा सा है तो फिट नहीं होगा, इसलिए इसे काट के मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद गाइज मैंने देखा इसका प्रॉब्लम फिर से नहीं हो रहा था, मतलब फिर से मतलब कि वो सॉल्व नहीं हुआ था प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, जस्ट बायोस को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद अपना प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। तो मैं आपको फिर से एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। पावर दिया, पावर ऑन किया, अब बोर्ड को स्टार्ट करेंगे, कोडिंग चेंज हो रहा है गाइज, अपने इधर डिस्प्ले भी आ गया, देखिए वार्निंग, ये वार्निंग है, बूट डिवाइस नहीं है, लेकिन हम जब भी कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि बायस ऑलरेडी सेटअप है। ये देखिए एंटर प्रेस किया, सेटअप दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डेट एंड टाइम पे ऑलरेडी 6/8/2020 है, मतलब आज के डेट मैंने फिक्स कर दिया। और ये बहुत ही आसान था, मुझे भी लगा था यही है, लेकिन मैंने फिर भी दूसरा कुछ ट्राई किया था ये देखने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह से तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अगर ये क्रिस्टल चेंज करने के बाद भी अगर नहीं होता तो मैं कुछ और ट्राई करता, क्योंकि यह बैटरी के पास एक डायोड लगा होता है, आप देख सकते हो एक डायोड लगा होता है, वो वाला डायोड, ये डायोड ख़राब होने से भी ऐसा दिक्कत आता है। तो गाइज, अगर कोई इस तरीके का प्रॉब्लम में मतलब फंसे कि डेट एंड टाइम सही नहीं है, मतलब सेव नहीं हो रहा है, हर बार जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना, अपने जो सीमोस का बैटरी होता है ना, ये इसका वोल्टेज चेक करना कि इसका वोल्टेज सही है कि नहीं, ये ख़राब तो नहीं हो गया। अगर ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज अगर बिल्कुल बराबर है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो एक बार अपना क्रिस्टल को चेक कर लेना, क्रिस्टल को चेंज करने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, जिस तरह से मेरा ये हो गया। तो गाइस, ये तो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, ये बोर्ड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और एक बात के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो में ऑन लाइव में नहीं मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा स्टैंड है वो मेरे पे फिलहाल नहीं है, तो हाथ रेडी करके उसके बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है गाइज, इसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना, और मेरे साथ रहना, और सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए भी सॉरी, क्योंकि मैं काम पहले करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ, कभी कभी काम करते करते दिखाता हूँ, लेकिन अभी मेरा हालत इस तरीके का है कि मैं काम करते करते दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए काम करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत जल्द मैं काम करते करते हुए वीडियो दिखाऊंगा और डिटेल में, पूरी डिटेल में सब कुछ बोलूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। और
समझ में अगर नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझा दूँ। तो गाइज ये बोर्ड हमारा रेडी हो गया, फिर से एक बार दिखाता हूँ बंद करके। चलो गाइज बंद हो गया, पावर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, पावर ऑफ कर दिया। तो इसके बाद फिर से लाइन दिया और बोर्ड को स्विचिंग किया, देखते क्या होता है। चलो आ गया, देखते डेट एंड टाइम सही है कि नहीं। गाइज अपना डेट एंड टाइम बिल्कुल बराबर है, मतलब अपना डेट एंड टाइम जो चेंज का प्रॉब्लम था वो बिंदास फिक्स हो गया गाइज, बोर्ड सॉल्व हो गया। तो चलो कोई ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय गाइज़।